मुख्यमंत्री को भरोसा है कि किसान आंदोलन खत्म होगा, लेकिन किसान लगातार दिल्ली के बॉर्डर्स को बंद करके बैठे हुए हैं। किसानों ने दिल्ली नोएडा चिल्ला बॉर्डर पर फिर से चक्का जाम कर दिया है, तो दिल्ली के दूसरे बॉर्डर भी बंद हैं। किसान आंदोलन 21 दिन से लगातार जारी है। किसान खुले आसमान के नीचे जमे हैं। सिंघू बॉर्डर हो, टीकरी बॉर्डर हो या फिर गाजीपुर बॉर्डर की तस्वीर, हर जगह आंदोलन कर रहे किसानों ने डेरा डाल रखा है। सरकार लगातार किसानों को आश्वासन दे रही है, लेकिन किसान मानने के लिए तैयार नहीं है। उनका कहना है कि जब तक नए कृषि कानून को वापस नहीं लिया जाता, वो हिलने वाले नहीं है। आज सुबह किसानों ने नोएडा से दिल्ली आने वाला रास्ता ब्लॉक कर दिया। भारतीय किसान यूनियन भानु गुट ने नोएडा दिल्ली रोड का एक तरफ का रास्ता ब्लॉक कर दिया है। आप तीन तस्वीरें देख रहे हैं। किसानों ने बीच सड़क पर ट्रैक्टर लगा दिया है और वो सड़कों पर बैठ गए हैं, जिसकी वजह से लंबा जाम लग गया है। गाजीपुर बॉर्डर पर किसान लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। उनसे बात की इंडिया टीवी संवाददाता विजय लक्ष्मी ने, आप सुनिए। किसान आंदोलन का 21वां दिन आज है और एक ट्रैक्टर पर हम बैठे हैं, और इसलिए ट्रैक्टर पर बैठे हैं क्योंकि गाजीपुर बॉर्डर पर हम हैं। तीन बॉर्डर जहां पर किसान बैठे हैं, उसमें से एक बॉर्डर गाजीपुर का बॉर्डर भी है, और आपको ट्रैक्टर पर बैठकर दिखाना चाहते हैं कि आसपास में हो क्या रहा है। ये देखिए, लंगर सेवा लगातार चल रही है। 21 दिन जो आंदोलन चलाना होता है चल रहा है 21 दिन से, क्योंकि तो खाना जो है, और बात क्योंकि खाने की हो रही है, अन्नदाता की हो रही है, तो खाने का पूरा इंतजाम गाजीपुर बॉर्डर के पर हम आपको दिखाएं तो दोनों तरफ लंगर सेवाएं जो हैं वो चल रही हैं। 21वां दिन है, एक दिन का अनशन भी किया किसानों ने 2 दिन पहले, लेकिन उसके बावजूद भी बात जो है वो बनती हुई नजर नहीं आ रही है। किसान कह रहे हैं कि सरकार तीनों कानूनों को वापस ले ले। सरकार कह रही है कि हम एक एक लाइन पर कानून की बात करने को तैयार हैं, लेकिन ये सारे बिल जो हैं ये किसान के हित के बिल हैं, लेकिन किसान कह रहा है कि उसके हित के बिल नहीं है। कुछ किसान हमारे साथ हैं, इन्हीं से बात करेंगे। सरकार कह रही है कि आपके हित के बिल हैं सारे, आप आइए, हर एक लाइन पर चर्चा करने को तैयार है सरकार कानून के। हमारे हित में हैं तो इनमें सरकार खुद ही कह रही है कि संशोधन कर देते हैं। इसमें 20 से 30 कमियां गिनाई जा रही हैं। आप ये बताइए कि जिस मकान के आपने 15 पिलर बनाए हैं, उसमें से 10 खराब हैं तो मकान रुक जाएगा? तो वो हमें ये डिब्बा दिखा रहे हैं कि ये इसमें सही है, हम संशोधन कर देते हैं। बीजेपी इस वक्त रीवा में भी